वेलकम टू वरुण वीलॉग्स गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो यार पूजा सिंह जी मास्टर पे आज है आई हुई ह्यूंडई वेन्यू, ये मेरे पीछे खड़ी है। ये 2021 BS6 मॉडल है। इसमें जो काम है वो आगे का हो चुका है और पीछे का भी जो सिलेंडर है वो लग चुका है। तो मैं आपको ओवरऑल कंपोनेंट्स वगैरह दिखा देता हूँ, कितने कितने लग चुके हैं, कैसे कैसे, और बाकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट पड़ेगी, कौन सी किट है, क्या इसका अप्रूवल वगैरह का जो स्टेटस है, वो सारा कुछ जो है मैं आपको वीडियो पे दिखाऊंगा। तो मेक श्योर टू वॉच द कंप्लीट वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू एंड अप लाइकिंग व्हाट यू सी। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज डू लेट मी नो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो यार। तो ये है इसकी सिलेंडर की कुछ पोजिशन कुछ इस तरीके से है। अभी ये दोनों भाई जो हैं इनकी शक्ल नहीं दिख रही है, फिट कर रहे हैं अभी सिलेंडर, बट मैं वैसे आपको स्पेस दिखा देता हूँ। ओवरऑल ये है इसमें स्पेस, ठीक है। जब ये सीट पीछे कर देंगे ना, उसके बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना कैसा जो ओवरऑल फिनिश आती है वो किस तरीके की आती है। ये 14 किलो का सिलेंडर है, टाइप 2 सिलेंडर है ये, और इसका जो वेट है वो सबको पता है 65 to 67 kgs रहता है। ओके, अभी गर्मियों में जो इसमें गैस आ रही है वो 8 to 9 kg ही आ रही है, ज़्यादा गैस नहीं आती इसमें गर्मियों में। सर्दियों में 11.5-12 kg तक की आ जाती है। ओके, तो ये आप देख सकते हो। तो यार बात कर लेते हैं जो है सिलेंडर के टाइप्स की। इसमें भी अभी वेन्यू में भी अभी भी टाइप 2 सिलेंडर ही लगा हुआ है। जो इसके ओनर हैं उनसे मैंने एक्चुअली एंड ऑल्सो जो बाकी और भी गाड़ियों के एक दो गाड़ियों जिनकी वीडियो मैंने अभी जस्ट अपलोड करी है, उनसे भी मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि भाई सिलेंडर का क्या है, अगर आपको टाइप 4 मिल जाए तो आप लगवाओगे क्या। तो एक्चुअली टाइप 4 का जो कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ती है अराउंड 44,000 rupees, है ना। तो अभी तो फिलहाल जो कस्टमर्स हैं दे आर नॉट रेडी टू पे दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। और ये जो वेन्यू के ओनर हैं उन्होंने भी यही बोला कि यार अभी तो आई वॉन्ट पे 44,000 rupees, क्योंकि सीधे सीधे 30-35,000 rupees का जो है वो गैप आता है टाइप 4 और टाइप 2 सिलेंडर्स में। अवेलेबिलिटी है, बट ये है कि अभी डीलर के लिए झंझट है थोड़ा सा उसके अप्रूवल्स वगैरह लेने के लिए, और उसका जो वॉल्व है वो भी डिफरेंट होता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सिलेंडर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ दी कॉम्पोनेंट्स विच फिट विद दैट टाइप 4 सिलेंडर, उसका अभी थोड़ा सा इशू है। बट दी ओनली पॉइंट इज जो अभी जो प्राइस का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है यार। तो 44,000 rupees के लिए अभी फिलहाल कोई भी रेडी नहीं हो रहा। तो ये अभी होल पॉइंट है मेरा, जब कंपटीशन बढ़ जाएगा शायद तब टाइप 4 के लिए रेडी होंगे लोग, बट अभी फिलहाल इसमें टाइप 2 सिलेंडर ही लगा हुआ है। ओके, तो यार आगे का काम जो है मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। और ये है हमारे एक्सपर्ट्स एज यू ऑल नो मिस्टर संजय। संजय भाजी की हाल? बढ़िया भाई, तुम सुनाओ? बढ़िया। इसमें अभी क्या क्या इंस्टॉल हो चुके हैं एक बार बता रहा। ये लग गया था, रिड्यूसर लग चुका है, इंजेक्टर लग गई है, फिलिंग वाल लग गया, ईसीएम लग गया, ऑलमोस्ट सारा कुछ हो ही गया है। ऑलमोस्ट हो गया सारा कुछ गया। अच्छा, इधर ईसीएम कितने, ईसीएम कहाँ है इसका, एक मिनट बता दो। ईसीएम भाजी आ रहे हैं पीछे। ठीक है ठीक है, आ रहा है ईसीएम, है ईसीएम, ठीक है। आगे इंजेक्टर। और इसमें कौन सी कंपनी की जो है किट लगी है? लोमानी। लोमानी, तो लोमानी का रिस्पॉन्स अच्छा है उनके वेन्यू के लिए? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यार एक बात बताइए, इसमें टोटल जो सीएनजी लगाने में टाइम है वो कितना लग जाता है? अप्रॉक्स भाजी 4 to 5 घंटे मान के चलो। 4-5 घंटे लग जाते हैं जी, जी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये गाड़ी भी दोपहर से आई हुई अभी, है ना, इसमें हो रहा है काम, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं, जैसे कई लोग बाहर से भी आते हैं लगवाने, है ना जी, जी। तो वो कमेंट्स में पूछते हैं कि यार टाइम कितना लग जाता है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो यार आप देख लो, जैसे कि संजय ने बताया कि इसमें 4-5 घंटे लग जाते हैं अप्रॉक्स, वो भी तब जब गाड़ियाँ यहाँ पे कम हो, अगर ज़्यादा हो गई तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। ओके, तो ये आगे की इंस्टॉलेशन है पूरी, इसकी इंजेक्टर रेल ईसीएम संजय ने दिखा दिया, और यही है जो फिटिंग जो है इसकी कंप्लीट कर रहे हैं अभी। संजय सर, चेंज ओवर स्विच? चेंज ओवर स्विच भैया ये रहा, ये लगाना है मेरे को अभी स्विच। दिखाइए एक मिनट, ये स्विच है। ठीक है, तो यार जो चेंज ओवर स्विच है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी लग चुके हैं। इसमें कुछ इस तरीके से लगाया गया है, ये देख लो। ओके, ये जो है सिलेंडर है ये सेकेंड हैंड सिलेंडर है, क्योंकि जो ये गाड़ी है वो है BS6, और वो BS6 है तो उसका अप्रूवल है नहीं। तो ओनर वॉज ओके कि अगर वो CNG RC पे नहीं चढ़ रही तो भी दैट इज़ फाइन। इनकी गाड़ी 100-125 किलोमीटर चलती है दिन के, तो इसलिए ये एक महीने चलाने के बाद ही जो है CNG लगवाने के लिए ले आए यहाँ पे। तो वन सेकेंड टाइप 2 सिलेंडर है। इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट पड़ेगी किट की, वो पड़ेगी समवेयर अराउंड 36,000 rupees।
सिर्फ 36,000 में जो है वो किट पूरी लग के तैयार हो जाएगी, वेरस टाइप 4 सिलेंडर जो है वो अभी फ़िलहाल सिर्फ सिलेंडर ही 44,000 का है, तो ये अभी फ़िलहाल इशू है काफ़ी बड़ा। इसके अंदर जो गैस है वो अभी फ़िलहाल गर्मियों में 8-8.5 किलो आ रही है, वैसे सर्दियों में 11-12 किलो आ जाती है आराम से। मैं ओवरऑल स्पेस दिखा देता हूँ, ये देखो कितने फिनिशिंग से, कितनी साफ़ सफाई से जो है सिलेंडर फिट किया है, सिलेंडर फिट किया है इस भाई ने। ये देखो छोटा सा लड़का है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है भाई? मोहम्मद उजाले। मोहम्मद, ठीक है, ये तूने फिटिंग की है ना इसकी, बहुत बढ़िया। तो यार संजय, गाड़ी का जो नंबर है वो CNG की प्लेट पे प्रिंट कर रहा है, आगे की वीडियो भी इसी ने बनाई है, मुझे कहीं अर्जेंट काम से जाना पड़ गया था। तो यार वीडियो पूरी देखना, सब्सक्राइब करना चैनल को, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताना, मैं हर क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कॉमेंट सेक्शन में, एंड और कोई भी इशू तो डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर नाउ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। गाइस जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने लैपटॉप अपना कनेक्ट कर लिया है, तो अब इसकी मैं करने जा रहा हूँ ट्यूनिंग। कार आपकी स्टार्ट है, आप देख सकते हैं, तो हम इसकी अब ट्यूनिंग करेंगे। तो गाइस ऐसा देख सकते हैं ट्यूनिंग हो गई है, अब हम कार चलाएंगे। चलाओ भैया कार, ब्रेक लगा दूं? हाँ जी बिल्कुल। अब इससे अपने सिलेंडर के बारे में पता लग जाएगा बिल्कुल भैया कि एक बार में कितनी चलती है गाड़ी। जी भैया जी, तो अपन सीधा दुकान पे चले ना। हाँ जी भैया, हम ऑफिस जाएंगे सीधा। अगर आपको कुछ भी लग रहा है, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को आप बताना, मैं यहीं से ट्यून कर दूंगा। जैसे कि कार की ड्राइव मार ली है, कार ओके है, बाकी कस्टमर बताएंगे आपको कार कैसे चल रही है। मैं चलाने में मुझे बहुत अच्छी लगी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पेट्रोल पे ही गाड़ी चला रहा हूँ। जी भैया, हाँ पिकअप वगैरह सब एकदम ओके है, चलाने में मुझे बड़ा अच्छा लगा। ओके भैया, तो कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आ रही कार में? अभी मुझे नज़र नहीं आई। ओके भैया, ओके, थैंक यू सो मच भैया। ओके भैया, वीडियो को हम यही एंड करते हैं, बाकी जो कुछ भी है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और जरूर करना, हमारे वरुण भैया का चैनल है। तो ओके गाइज़।